हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए 55 रुपये का ये शेयर है, मतलब 50-55 के अराउंड आसपास ट्रेड कर रहा है आजकल की डेट में ये शेयर, और डेट फ्री शेयर कहूँगा मैं इसको। और अगर आप देखोगे ये शेयर अपने हाई से आधे रेट पे मिल रहा है, जो इसने हाई टच किया था उससे ऑलमोस्ट हाफ रेट के आसपास मिल रहा है ये शेयर। और अभी इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट कैसा रहा उसके बारे में भी बात करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और ये टॉप का स्टॉक है, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, क्या ये प्रोडक्ट्स बनाता है एंड ऑल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो जानते हैं इस कंपनी के बारे में, शेयर के बारे में। जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैं बात कर रहा हूँ जामना ऑटो की। जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर आप देखें, मेनली ऑटोमोटिव सस्पेंशन सॉल्यूशन जो भी होते हैं कमर्शियल व्हीकल के, उनको बनाने का काम करता है। तो मेजरली अगर आप देखोगे जैसे पैराबोलिक होती है, टेपर्ड लीफ स्प्रिंग्स होते हैं, इन सब पे इसका काम है। करंट प्राइस देखिए 55-56 के आसपास है। एक स्मॉल कैप का स्टॉक इसको मैं कहूंगा। देखिए 2200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बुक वैल्यू 11-12 रुपए के अराउंड है। प्राइस स्टॉक का पी रेशियो जो है वो 14-15 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी जबरदस्त है, मतलब 46% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 33%। और सेल्स ग्रोथ अगर आप पिछले 3 साल की एवरेज देखोगे तो 16-17% के अराउंड है, जो कि बहुत बढ़िया बना देते हैं शेयर को। अर्निंग पर शेयर 4 रुपये के आसपास है। डेट देखिए 62 करोड़ का है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ डेट फ्री, मतलब ना के बराबर का डेट मैं मानूंगा इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। छोटा शेयर जरूर है, आपको लग रहा होगा कि 60 करोड़ का डेट है, लेकिन इससे नीचे देखिए कम से कम डेट है, बहुत लेस डेट मैं कहूँगा इसको। चलिए ये तो रही कंपनी की डिटेल। अब मैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहता हूँ, तो कंपनी की वेबसाइट पर यानी कि JAI जामना ऑटो इंडस्ट्री spring.com पर जाइए, तो देखिए जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। तो अपने सेगमेंट में लीडर जो होते हैं उनका एक बहुत दबदबा होता है। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है टेपर्ड लीफ का एंड पैराबोलिक स्प्रिंग्स का, जो कि कमर्शियल व्हीकल इंडिया में खासकर। इट हैज बीन ट्रस्टेड एंड प्रिफर्ड पार्टनर, प्रिफर्ड सप्लायर ऑफ लीफ एंड पैराबोलिक स्प्रिंग्स टू ऑल मेजर कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चर, जितने भी मेजर कमर्शियल व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उन सब के लिए यही कंपनी है जो ये काम ये सप्लाई करती है। तो बहुत बढ़िया, मतलब कि भैया इसकी पकड़ है। द कंपनी इज फास्ट एक्सपेंडिंग इट प्रेजेंस इन न्यू जनरेशन प्रोडक्ट्स लाइक एयर सस्पेंशन एंड लिफ्ट एक्सल, इन पे भी काम कर रही है, बढ़िया है भाई। एंड अगर आप बात करते हैं इंडिया में तो ये है ही, और कंपनी ने अभी टाई अप किया है किसके साथ, राइड वेल कॉर्पोरेशन ऑफ USA टू ब्रिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन एयर सस्पेंशन सिस्टम टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास राइड कंफर्ट फॉर बसेस। भैया अब अच्छी बात है, टाई अप कर रखा है US की कंपनी के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आएगी अब इस उसमें। तो मतलब ठीक है कंपनी करंट में काम कर रही है, लेकिन फ्यूचर पर्सपेक्टिव से ही सोच रही है, जो इस कंपनी को बढ़िया बनाता है, एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म देता है। हाँ भाई कंपनी कुछ कर रही है, लेकिन अगर आप देखोगे इसका शेयर प्राइस एंड ऑल देखोगे तो वहां पे आपको लगेगा कि हाँ कहाँ पे बाय करना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा। तो अगर कंपनी की बात करें, एक स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क कंपनी का है, इसके जो सब्सिडरी है जय सस्पेंशन सिस्टम LLP ऑल ओवर द कंट्री टू सपोर्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक आफ्टर मार्केट डिमांड, जो भी है भैया अच्छा खासा एक नेटवर्क भी बना हुआ है JAI ब्रांड के अंडर, JAI जामना ऑटो इंडस्ट्रीज। चलिए ये सब रही इसके डिटेल में हमने बात करी। अब मैं सबसे पहले आपको लेके चलना चाहता हूँ, आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ रिजल्ट पे। रिजल्ट जो आया 2 बजे के अराउंड रिजल्ट आया, रिजल्ट कैसा रहा उसको देखिए। रिजल्ट की अगर बात करते हो, सबसे पहले मैं लेके चलूंगा आपको प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट देखिए कितना प्रॉफिट हुआ कंपनी को, कंपनी को ये सारी फिगर जो है लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके इनको बताता हूँ। देखिए 28-28.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर में कितना था 35.5 करोड़। तो प्रॉफिट में कितना डाउन देखने को मिला, 7 करोड़ की कमी देखने को मिली इस क्वार्टर में प्रॉफिट में। अगर आप देखोगे कि बड़े बड़े जो कमर्शियल व्हीकल बनाती है उन कंपनीज की सेल में भी कमी आई है, तो डेफिनेटली ये तो उनको पार्ट सप्लाई करता है, तो इसके प्रॉफिट में तो कमी आएगी ही डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो होता है भाई, उनकी कमी आएगी तो इसकी भी कमी आएगी। अब आप देखिए प्रॉफिट पिछले साल इस क्वार्टर में कितना हुआ था, ऑलमोस्ट 32 करोड़ का, तो उसके कंपेरिजन में भी 4-4.5 करोड़ की कमी देखने को मिली है। तो अब इस गिरावट के बाद डेफिनेटली कुछ शेयर के प्राइस में भी कुछ तो गिरावट आ सकती है, तो वहां पे आपको वो मौका मिलेगा कि बढ़िया भैया सस्ते में मिलेगा, क्योंकि इसका बिजनेस जो है वो आप देखिए खुद एक सिंगल सप्लायर है, इतने टॉप इतने सारे कंपनीज को सप्लाई करेगा। तो देखिए
अगर इसका प्राइस देखें पिछले एक महीने के अराउंड का अगर मैं प्राइस दिखाऊं, तो लगातार इस शेयर में गिरावट आ रही थी। और 23 जनवरी की बात, तो गिरावट आते आते ये शेयर कहाँ पहुंच गया था, 52 रुपये के अराउंड तक चला गया था। कितना, 52 रुपये का। और आज के अगर प्राइसिंग की बात करें, जैसे आज 2:15 बजे का रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट जब आया था 2:15 बजे, देखिए तो किस कहाँ चला गया था, एकदम शेयर गिर के नॉर्मल 56 पे था और गिरा और शेयर पहुंच गया 54 पे, और फिर वहां से वापस बाउंस बैक जरूर किया शेयर ने। देखिए मतलब लोगों को भरोसा है इस पे, वापस बाउंस बैक किया। अगर पिछले 5 साल का ग्राफ देखें इसका, तो मुझे तो इसका ग्राफ बहुत स्ट्रांग लगा। लेकिन अभी जब 2018 में देखिए, जब शेयर मार्केट गिर रही थी, तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा गिरा, लेकिन उसके बाद बढ़ते बढ़ते देखिए इन लेवल तक चला गया। 30 अप्रैल 2018 को इन लेवल तक चला गया। लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में जो वैल्यूएशन थी वो काफ़ी हाई थी, उसको करेक्ट होना था, तो उस बेसिस पे इसमें भी गिरावट देखने को मिली। और ये शेयर भी करेक्ट होता होता बिल्कुल देखिए आप धीरे धीरे करके इन लेवल्स पे 50 के लेवल्स पे भी आ गया, ऑलमोस्ट अपने हाफ के अराउंड आ गया, मैं तो ये कहूँगा देखिए। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम और गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक से, तो मुझे ये लग रहा है ये स्टॉक कहीं इन लेवल्स पे आता दिख रहा है, मतलब 48-49 की रेंज में, मतलब अभी के प्राइसिंग से 56 की जो प्राइसिंग है, यहाँ से 4-5 रुपये और नीचे मैं चाहता हूँ इसको, कि अगर एक बेस्ट बाय मैं कहूँ मानूंगा तो 49-48 से लेकर 54 के बीच में एक बढ़िया बाई, 48-50 के अराउंड एक बढ़िया बाई मैं सोच सकता हूँ कि हाँ ये शेयर जो है इस लेवल पर खरीदा जाए तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, तो ये देखिए। और दूसरा, अगर आने वाले टाइम में और गिरावट आती है तो आप क्या सोचते हैं कि भाई और कितना गिर सकता है ये शेयर, तो उससे निचला जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो 32 से 35 की रेंज में दिख रहा है, ये वाला पॉइंट जो है 32 से 35 की रेंज में, तो ये दो रेंज, ये दो पॉइंट्स पे मेरी नज़र रहेगी कि अगर मैं इसको खरीदना चाहूँगा तो मैं इतने हाई लेवल पर अभी भी 6-7 रुपये ऊपर है, और मैं इसको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से सोचूंगा कम से कम 3-4 साल के हॉरिजन पे, क्योंकि ये स्टॉक उस लेवल का स्टॉक है जो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं जो कि कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं उनको ये पार्ट सप्लाई करता है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। मतलब ये चीज़ तो आप देखें, जो सस्पेंशन वाली थिंग है, वो चाहे बसेस की बात करो चाहे कोई भी कमर्शियल व्हीकल्स की बात करो, उनमें कमर्शियल व्हीकल का नॉर्मली देखिए सस्पेंशन वाली चीज़ जरूरी है, जो पैराबोलिक स्प्रिंग्स एंड ऑल आती है वो कंपलसरी थिंग्स है, उनके बिना गाड़ी अधूरी है, तो जो ये मार्केट लीडर है वहाँ पे, तो इसलिए ये स्टॉक खास बन जाता है। और आज से नहीं, पिछले 50 साल से ये कंपनी काम कर रही है और इसने अपनी मार्केट जो है बना के रखी हुई है। चलिए ये तो सब चीज़ हमने जान ली, अब हम जामना ऑटो के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, इसकी क्वालिटी देखते हैं मार्केट बोझों के हिसाब से। अगर क्वालिटी देखते हो, मैनेजमेंट रिस्क की बात करो, ग्रोथ की बात करो, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करो, ये स्टॉक अल्टीमेट है। और इसकी रैंकिंग की अगर बात करते हैं हम ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में, तो 12th रैंकिंग है आउट ऑफ 95 कंपनीज, तो देखिए। और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से गुड क्वालिटी का ये शेयर है। चलिए ये तो रही हमने इसके बात बारे में देखा, और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें, प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 47.88% है, 47.88% बढ़िया एक वो कहूँगा मैं प्रोमोटर का। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो 32.01% है। चलिए और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, प्रोमोटर कौन है जिसकी जो मेजर होल्डिंग है वो है MAP ऑटो लिमिटेड, 32.38% होल्डिंग किसकी है, MAP ऑटो लिमिटेड। हाइएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर कौन है, वनाजा सुंदर अय्यर, जिनकी 2.56% होल्डिंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ शेयर क्या गिरवी रखे गए, हाँ ये पॉइंट जरूर बात है, 0.6 बहुत कम है ऑल दो, बट स्टिल मैं कहूँगा कि 0.6% शेयर जो है वो गिरवी रखे गए हैं प्रोमोटर के, चाहे वो पैसा उठाने के लिए रखा गया चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी 0.6% शेयर गिरवी रखे गए। और म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ने भी इसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और FII छोटा स्टॉक जरूर है लेकिन 40 FIIs ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, 5.43% शेयर उठा रखे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे धीरे धीरे इसमें भरोसा आ रहा है लोगों को। लेकिन अगर आप देखें भैया, मार्केट जो इसने बना रखी है, मतलब आज की नहीं, सारे कमर्शियल व्हीकल इसी से ही माल खरीदते हैं, तो डेफिनेटली बढ़िया मार्केट है। अगर हम देखें जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आज की डेट में इतना बुरा रिजल्ट आने के बाद भी जब 2.17% बढ़ा, इसका मेन रीजन आपने देखा होगा क्योंकि आज सेंसेक्स निफ्टी सब बिल्कुल दौड़ रहे थे, तो डेफिनेटली ये भी दौड़ रहा था। और
कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स, अगर हम बात करें कौन कौन सी फंड्स हाउसेस हैं, जैसे देखिए ABSL प्योर वॉल्यू, प्योर वैल्यू वाले फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है, DSP स्मॉल कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान, L&T इमर्जिंग बिजनेसेस, देखिए आप खुद देखिए, LIC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड, LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप मिड कैप, LIC टैक्स प्लान डायरेक्ट, MMF बंधक योजना, MMF बंधक योजना, क्वांट मिड कैप फंड, यूनियन SCFDP, तो ऐसे ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने भी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, कि ये स्टॉक, ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। आप खुद देखिए 2018 में 2 बार डिविडेंड पे किया, एक बार 50 पैसे का, एक बार 55 पैसे का, 2017 में 2 बार डिविडेंड पे किया, एक बार 2 रुपये का, एक बार 30 पैसे का, और 2016 में भी 2 बार डिविडेंड पे किया था, एक बार 2 रुपये 75 पैसे का, 1 रुपये 50 पैसे का। तो डिविडेंड के हिसाब से भी कंपनी ने वो भी स्टार्ट किया है, वो भी दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। जामना ऑटो इंडस्ट्री रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा, फिर भी स्टॉक में गिरावट नहीं आई, निचले स्कम बाइंग लेवल से आपको बस शेयर किए गए हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप ही शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।